हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ GTA 5। तो मुझे बताओ सुपरमैन किसको पसंद है? सुपरमैन सबको पसंद है, इसलिए भाई मैं आ चुका हूँ सुपरमैन की हर गाड़ी चोरी करने के लिए। मेरे को हर गाड़ी का लोकेशन पता चल चुका है और ये रहा पहला लोकेशन व्हाइट हाउस, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और यहाँ पर चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस और बीच में खड़ी है सुपरमैन की बुगाड़ी और मैं आ चुका हूँ चोरी करने को। साथ में लेके आ चुका हूँ मेरी मशीन गन और भाई इन लोगों को पता नहीं है मेरी मशीन गन बहुत ही खूंखार है। एक बार वहां पर देखो भाई चमचमाती हुई बुगाटी सुपरमैन की। रुको मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये तो बस शुरुआत है सुपरमैन की। ऐसी 5 गाड़ियां अपना चोरी करने वाले, उसमें से ये पहली बुगाटी है और इसके बाद वाली गाड़ियां तो आप लोग देख के हैरान होने वाले हो। तो यहाँ पर पहली लोकेशन पे ही बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी को यहाँ पर टेक डाउन करना है, इसलिए मैं सबसे हैवी मशीन गन लेके आ चुका हूँ। इसमें ना मेरे को पूरी KGF वाली वाई वारी भाई साहब खतरनाक यहाँ पर टेस्टिंग में लेने आ चुका। और यहाँ पर देखो भाई कहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े, बट कोई बात नहीं, मशीन गन इतनी हैवी है ना कि तुम्हारे भाई को घंटा डरने लगता। तो यहाँ पर देखो गाइस ऑलमोस्ट मैंने आधे से ज्यादा बंदे निपटा दिए। और तुम लोग वीडियो पे नए हो तो प्लीज यार एक वीडियो को लाइक ड्रॉप कर दिया करो यार, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर रहे हो। जब तक यहाँ पर देखो मैंने ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा बंदे निपटा दिए और हमारी पहली बुगाटी की तरफ हम अपनी कदम रखने वाले हैं। और ये है सुपरमैन की गाड़ी और ऐसी 5 और गाड़ी बची, जो 4 और गाड़ी बची जो कि लॉस सैंटोस में, उनको भी हम चोरी करने वाले। और इससे पहले यहाँ पर देखो भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ गाड़ियां फोड़ने को, क्योंकि भाई साहब तबाही डिस्ट्रक्शन को मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और मेरे को लग रहा है ऑलमोस्ट वो गाड़ी को फूटने के बाद सब खत्म हो चुके भाई, ऊपर वाले को कैसे मारू भाई, इन लोग छुप जा रहे नीचे की तरफ। भाई ट्राई तो कर रहा हूँ कंटिन्यू फायर करने को, बट जो भी लाइन ऑफ फायर में आ चुका वो मरेगा, वरना भाई जो बच गया वो बच गया। ज्यादा कुछ नहीं मैंने मार दिया, अब मेरे को बारी यार यहाँ से लेके निकलने की। तो यहाँ पर चलो उसके पास चलता हूँ धीरे धीरे। और पीछे से भाई लोग, इन लोग मेरे को परेशान करके रखा है भाई, इतने ज्यादा टाइट सिक्योरिटी इन्होंने यहाँ पर लगा के रखी है। और सिक्योरिटी क्यों हो भी नहीं, ये तो सुपरमैन की गाड़ी है भाई, सुपरमैन बहुत ही खतरनाक है। और यहाँ पर भाई इनकी सिक्योरिटी में हाईटेक वाले खड़े यहाँ पर, बट तुम्हारे भाई के पास जो मशीन गन है उससे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो मैंने ऑलमोस्ट सबको निपटा दिया आई थिंक सो। बहुत ही से ज्यादा बंदे कम बचे रहेंगे, जो छुपचाप के बचे कोई बचे रहेंगे, बाकी तो मैंने निपटा दिया। चलो गाड़ी के अंदर बैठेंगे। और ये मेरा बंदा कहाँ जा रहा है भाई, मेरे को ये खटारी बाइक पे नहीं जाना है, मेरे को जाना है वो बुगाटी के अंदर। चल भाई बुगाटी के अंदर बैठ जा। भाई मैं अंदर की नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर कोई शील्ड भाई साहब, यहाँ पर शील्ड लगा के रखी सुपरमैन ने। ओ भाई साहब गाड़ी के अंदर बैठेंगे और इसको लेके निकलते हैं। ओ भाई यार टेक्नोलॉजी देखो गाइस, गाड़ी खराब हो चुकी थी बट गाड़ी के अंदर बैठते ही गाड़ी एकदम रिपेयर हो गई है। ओ भाई साहब सुपरमैन की गाड़ी मतलब भाई अंदर बैठते एक्टिवेट हो जाती है कि भाई डिस्ट्रॉय नहीं हो कुछ भी नहीं हो, तो भाई गाड़ी को मानना पड़ेगा। तो ये हमारी पहली बुगाटी सुपरमैन की, इसको अपने घर की तरफ लेके चलते हैं। उसके बाद बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जो कि एक और सुपरमैन की गाड़ी है। और मुझे नहीं पता लोकेशन कहां पर है, सब सिंचन को पता है। सिंचन मेरे को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहा है लोकेशन, तो उसी के साथ मैं घर पर ड्रॉप करने के बाद आ चुका हूं अपनी दूसरी लोकेशन की तरफ। ये हो रहा है यहां पर एक बहुत ही बड़ा कार मीट, जहां पर दुनिया के लोग अपनी कार को मॉडिफिकेशन के लिए और दिखाने के लिए यहां पर लाए। और उसके साथ ही यहां पर सुपरमैन की कार मुझे पता चली खड़ी है। बट एक मिनट रुको भाई साहब, तगड़ी गाड़ी यहाँ पर है बट सुपरमैन की कार कहाँ पर है? भाई सुपरमैन की गाड़ी है तो कोई खतरनाक मॉडिफिकेशन वाली गाड़ी ही होगी, यहाँ पर तो नहीं है। चलो उस तरफ चलते हैं। और मुझे अभी भी नहीं दिखाई दे रहा कि सुपरमैन की गाड़ी है का? ये गाइस ये रही सुपरमैन की गाड़ी। ओ भाई डायरेक्ट तो हमला नहीं कर सकता, तो यहाँ पर एक काम करते है पीछे की तरफ चलते और अपनी जो मशीन गन है ना उसको निकालेंगे, उसके बाद डायरेक्ट अटैक करेंगे इनके ऊपर। तो गाड़ी को बाइक को अपने यहाँ पर खड़ी करते, बाइक पे नंबर प्लेट नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बाइक छोड़ के चले जाएंगे। अपने यहाँ पर अपने निकाल लिया है मशीन गन। लो अब बारी इनकी फटने की है भाई, यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना वो तांडव देखने वाले, मौत का तांडव वो भी देखने वाले, तुम्हारे भाई का रौद्र रूप देखने वाले। और वो सुपरमैन की गाड़ी को मैं अपने कब्जे में करने वाला हूँ, क्योंकि भाई साहब आज मेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य यही तो है ना कि लॉस सैंटोस में जो 5 सुपरमैन की गाड़ी थी वो मुझे अपने कब्जे में लेना। तो एक ले चुका हूँ और यहाँ पर दूसरी लेने को मैं आ चुका हूँ, उसी के बाद 3 और भी लेने जाना है, बट उससे पहले इनको निपटाना पड़ेगा। इनको पता नहीं चल रहा भाई इन लोग को खतरनाक है भाई साहब, ये लगता है ये दुनिया के नहीं है, कभी इनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, एकदम बिंदास खौफ में नहीं, एकदम टेंशन फ्री आप खड़े। बट कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई के इधर मशीन गन में इतना रिलोड है कि इनको घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा और मुझे भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा इनको निपटाने को। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारे बंदे निपटा ही दिए, देख लो भाई यहाँ पर सारा कार मीट बर्बाद कर दिया मैंने। और यहाँ पर सुपरा भी खड़ी है, बट छोड़ो कोई बात नहीं, ये क्या कर रहा है छुप के पीछे क्या कर रहा है? चलो गाइस मैंने निपटा दिया, बैठेंगे सुपरमैन की कार के अंदर। शायद ही लैम्बोर्गिनी का कोई वर्जन है, आई डोंट नो, बट लैम्बोर्गिनी मेरे को लग रही है। इसको लेके यहाँ से निकलते हैं, और क्योंकि भाई अपना ये दूसरी कार है और भाई तगड़ा मजा आने वाला है, तो इसको लेके निकलते। शायद से लैम्बोर्गिनी ही है, मॉडिफाइड सुपरमैन की लैम्बोर्गिनी, ऊपर से रास्ता है, शिनचैन ने मेरे को बताया है, ऊपर से जम माने है। उसके बाद अपन डायरेक्ट एग्जिट कर जाएंगे ये बिल्डिंग से, जो कि है कारमीट वाली बिल्डिंग, तुम लोगों को मैंने कहा ही था। चलो गाइस वहां से जम मारना है, तो जम मार के निकलते हैं यहाँ से। ओ भाई साहब ये देखो कितनी ही जहर दिखाई दे रही है सुपरमैन की कार। भाई 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 साहब सुपरमैन के पास महंगी महंगी और लग्जरी गाड़ियां, मानना ये तो मानना पड़ेगा
पड़ेगा गाइस, मानो या ना मानो। पहले हमने बुगाटी चुराई, अब मैं अपनी लैम्बोर्गिनी उसके लेके जा रहा हूँ। ओ भाई, मतलब भाई सुपरमैन के पास कार बहुत तगड़ी है। और अब ये कमेंट में मुझे आप लोग बताना कि नेक्स्ट एपिसोड में हमको किसकी गाड़ी चोरी करनी चाहिए, कौन से सुपरमैन या फिर सुपर बैटमैन, जो भी तुम हीरो कहो, जो भी तुम सुपर हीरो कहो, उसकी हम चोरी करने वाले। तो अभी सुपरमैन की चोरी कर रहे हैं, उसके बाद अपन एक आइडिया है बैटमैन की चोरी करे तो कैसा लगेगा। तो कमेंट में मुझे बताओ क्या आप लोग देखना चाहते हो बैटमैन की सारी गाड़ी अपन चोरी करते हुए, हमेशा कमेंट जरूर करना। उसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही तगड़ा टैंक है, तुम लोग देख सकते हो नीचे की तरफ। बट यहाँ पर हाई टेक सिक्योरिटी, भाई बंदे बहुत ज्यादा तगड़े, और भाई इनको निपटाने को बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो कितनी ही ज्यादा लॉन्डे इसकी सिक्योरिटी में। भाई ये सुपरमैन के पास कौन सा ये है भाई, इतनी ज्यादा उसके लोग भगते, इतने लोग ज्यादा उसको डिफेंड कर रहे हैं। भाई यहाँ पर देखो गाड़ियों की, यहाँ पर पुलिसों की लाइन लगी है, जो मिलिट्री वाली भी आए, बट कोई बात नहीं। तुम्हारे मशीन भाई के आगे, तुम्हारे भाई के मशीन गन के आगे कौन टिक पाया है, कोई बोल पाया है क्या? नहीं ना, मशीन गन लो गाइस, इसको फोड़ते रुको। भाई ये कौन सी कार है भाई, ट्रक है क्या, ये फूटी नहीं रही भाई, कंटिन्यू फायर करो बट फूटी नहीं रही है। छोड़ो जाने दो भाई, अब मैं हार मानता हूँ, वो ट्रक फूटने वाले में से नहीं है। यहाँ पर बंदों को निपटाते, उसके बाद ये रुको, ये ट्रक को तो पक्का फोड़ के रखूंगा, इसको तो मार के रखूंगा। यस भाई, फोड़ ही दिया मैंने आगे फाइनली, और बंदों को ऑलमोस्ट मैंने निपटा दिया है। नहीं कहां से भाई, मैं भी क्या कह रहा हूँ यार, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बंदे टाइट सिक्योरिटी वाले यहाँ पर खड़े हैं। इनको मरने का शौक है तो कोई बात नहीं, अपने को मारने का शौक है तो आ जाओ एक एक करके, मत आओ सब साथ में आओ। तुम्हारे भाई ने एकदम एक बार में पकड़ लिया मशीन गन, एकदम केजीएफ वाली फीलिंग आई है। देखो भाई ऊपर की तरफ कितनी ज्यादा सिक्योरिटी, भाई हर जगह सिक्योरिटी वाले बंदे खड़े तैनात है, फायर कर रहे हैं मेरे पे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो गाइस अब क्या करते हैं ना, ट्रक के अपने टैंक के अंदर बैठेंगे और निकलते हैं यहाँ से। और भाई क्या छुपा है पैर के, क्या छुपके फायर कर रहा है भाई, सामने आके मारना मेरे को। लो गाइस निपटा दिया है, बैठेंगे टैंक के अंदर, क्योंकि टैंक के अंदर ऑलरेडी मिसाइल लगे हुए हैं, तो अपन मिसाइल से मारेंगे। टैंक के अंदर बैठते और उसके बाद अपन टैंक को लेके निकलते। आज के दिन की हमारी तीसरी सुपरमैन की कार बोलो या फिर टैंक बोलो, जो बोलना चाहो, गाड़ी बोलो, जो बोलना चाहो बोलो यार, अपने को क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर देखो भाई टैंक एकदम जहर भाई साहब, देखो भाई रोंगते हुए मैं ऊपर की तरफ चल रहा हूँ, उसके अंदर जो मिसाइल है, तो ये गाड़ी बच गई, रुको भाई स्टॉप, उसको पर परफेक्ट घूमने के बाद ही अटैक करता है ये। लो भाई इसको भी निपटा दिया है, और इसको लेके यहाँ से निकलते, क्योंकि भाई अपनी और तीन गाड़ी, मैंने को लगा था पांच गाड़ी है, बट लिटरली छह गाड़ी हमको चोरी करनी है सुपरमैन की। मैं शायद सोच रहा था पांच गाड़ी, बट नहीं नहीं छह सुपरमैन की गाड़ी हमको आज के दिन चोरी करनी है। और हमने तीसरी गाड़ी ऑलमोस्ट चोरी कर ली है, बस इसको यहाँ से लेके निकलना है, उसके बाद बढ़ना है हमारी तीसरी लोकेशन, चौथी लोकेशन पे, जो कि सुपरमैन की एक और धाकर गाड़ी होने वाली है। और शिनचैन तो भाई बहुत ज्यादा खुश है, वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेट कर रहा है, मेरे को सब लोकेशन बता रहा है, कहाँ से मेरे को निकलना है, कहाँ से नहीं निकलना है, एग्जिट प्लान सब वही मुझे बता रहा है, और मैं बस एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कि मुझे बस हाँ उसके प्लान को फॉलो करना, वो जो बोलेगा वो इलाके में जाना है जहाँ से मैं बच के निकल सकता हूँ। थोड़ी मस्ती तो बनती, तो मैं यहाँ पर हाईवे पे आ चुका हूँ, तो अपनी जो सुपरमैन की टैंक है ना, उससे जो फायर मशीन है ना, मिसाइल है ना, उसको मैं लॉन्च कर रहा हूँ कि भाई सामने जो भी आया ना उसको रेंगते हुए यहाँ से निकलना है। बस भाई मेरे को नहीं पता, अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकलना है, उसके बाद अपने को बढ़ना है अपनी एक और लोकेशन की तरफ, जो की होने वाली है बहुत ही तगड़ी। यहाँ पर हो रहा है एक और कार मीट, और ये देखो भाई साहब यहाँ पर लास्ट टाइम से ज्यादा लोग आए, और इतनी महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी, और मेरे को लेना है सुपरमैन की कार। रुको भाई कहाँ पर खड़ी है, अंदर से जाके ट्राई करते, दिखता है कि नहीं भाई यहाँ पर तो नहीं खड़ी, बट बहुत ही मस्त मस्त कार खड़ी है। भाई लक्ष्य पे ध्यान दो, मेरे को ये सब गाड़ी नहीं चाहिए, अपने को चाहिए सुपरमैन की कार। रुको देखने तो ध्यान से कहाँ पर है, रुको दिख गए, उस तरफ है गाइस शायद से, हाँ देखो डीजे के पास उसने खड़ी करके रखी हुई है। आ गए गाइस हम आ चुके, ये रही वो अभी, यार ये तो तीन व्हीलर है, थ्री व्हीलर वाली ये भाई, ये तो यूनिक कार हो गई भाई, तुम यूनिक रिक्शा बोलो, कुछ भी बोलो, बाइक बोलो, बाइक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम बताओ क्या बोलोगे, रिक्शा बोलोगे, बाइक बोलोगे, कार बोलोगे, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इनको मैं निपटाता हूँ, जब तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया रहेगा तो फटाफट वीडियो को लाइक ड्रॉप कर दो, और कमेंट में मुझे बताना कि अभी तक हमने चौथी कार में से आपको सबसे अच्छी कार कौन सी लगी, और दो कार होने वाली सरप्राइजेस से भरी हुई, तो वो भी देखने से पहले ये कमेंट कर दो, उसके बाद आके देखना और फिर कमेंट करना कि आप लोगों को छह में से सबसे बेस्ट कौन सी लगी। बट यहाँ पर कार नहीं फूट रही है भाई, यहाँ पर जो भी कार है ना बहुत ही तगड़ी मॉडिफाइड है, जो कि भाई मेरी मशीन से घंटा इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, इनको उड़ाते है भाई। लुको यहाँ पर यार कितने को मारेंगे यार, मार मार के भी जो भी बचेगा ना ऊपर, मतलब रैंडम फायर कर रहा हूँ, जो भी रैंडम फायर में आ रहा है ना वो खत्म हो जाएगा, जो बच गया सो बच गया, क्योंकि भाई मैं नहीं जाने वाला पकड़ के सबको अंदर कोने में जाके मारने वाला हूँ, यहीं पे खड़े होकर मैं कंटिन्यूसली फायर कर रहा हूँ, जो भी आया बीच में वो मर जाएगा। तो यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारे भाई लोग मर रहे हो, तुम यहाँ पर मस्त डांस वेंस कर रहे हो, शर्म तुम बात की, चलो गाड़ी के अंदर बैठेंगे। मैं तो भाई इसको रिक्शा बोलने वाला हूँ, सुपरमैन की रिक्शा। अभी तुम लोग मुझे बताओ इसको तुम क्या नाम देना चाहोगे, मैंने तो नाम दे दिया सुपरमैन की रिक्शा। भाई वो चलने में अच्छी है यार, इसकी सेकंड गियर में ही 50 के ऊपर स्पीड चलेगी, पिकअप बहुत बेहतरीन है, पिकअप मानना पड़ेगा इस रिक्शा का बहुत बेहतरीन है। इसको लेके निकलते अपनी घर की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी अपनी चौथी लोकेशन की गाड़ी बनने अपन ने चोरी कर ली। और ये क्या भाई साहब, लड़की देखो लड़की है ना यार,
यार वूमैन, गाड़ी चलाना आता नहीं, देख रहे हो गाइस क्या यार, इनको क्या ही बोलूं, छोड़ो जाने तो, तू बच गई मेरे हाथ से। मेरा मूड अभी सही है क्योंकि मैंने अभी गाड़ी चोरी कर ली है, वरना भाई मैं चोरी नहीं करता तो गुस्सा आता तो मैं देखो ठोक देता। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी को लेके निकलते, फटाफट भगाते, रॉन्ग साइड है भाई, राइट साइड लेने दो, उसके बाद अपन इसको लेके निकलेंगे मेरे घर की तरफ और कलेक्शन में खड़ी करेंगे अपनी चौथी सुपरमैन की गाड़ी को। उसके बाद अपन बढ़ेंगे एक और लोकेशन की तरफ जो कि होने वाली है एयरपोर्ट में। यहाँ पर तुम देख सकते हो माफिया के पास उस गाड़ी खड़ी है, यह है बहुत महंगी लैम्बोर्गिनी की कार। और भाई सब चलो, अपनी मशीन गन मैंने चालू कर दी है, जितने भी बंदे यहाँ पर ज्यादा टाइट सिक्योरिटी नहीं, यहाँ पर लो सिक्योरिटी क्योंकि ये माफिया है, इसके पास ज्यादा बंदे नहीं है। कोई बात नहीं, मजा आएगा इनको निपटाने के बाद। कौन ये क्यों भाग रहा है भाई, अभी तो माफिया भाग रहा है, सुपरमैन ने देखो कार रखने को दी और तू छोड़ के भाग रहा है, तू क्या दोस्ती निभाएगा यार, मतलब क्या गुंडा बनेगा रे तू, गुंडे क्या बन सकते भाई, भाग रहा था वो लोग, क्या ही बोलने इन लोगों को भाई। मैं ऑलमोस्ट लगता है आपको निपटा दिया है, ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुके हैं यहाँ पर, एक बच्चा है इसको भी मैंने निपटा दिया। ये हेलीकॉप्टर या प्लेन जो भी है ना भाई, नहीं 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 मेरे सामने नहीं आने का, मैं इनको बर्बाद कर दिया लोग, इसमें आग लग चुकी है। चलो उतरते हैं नीचे और ये भाई पैराशूट खुल जा, ओ भाई एंड टाइम है मेरा पैराशूट खुला, वरना मेरे को लगा था मेरा पैराशूट नहीं खुलेगा। कहां से मुझे गोली पड़ रही, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, मेरे को गोली तो पड़ रही है बट कोई दिखाई नहीं दे रहा, छोड़ो जाने तो, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं। अपन बैठेंगे अपनी कार के अंदर जो कि लैम्बोर्गिनी की सुपरमैन की, उसको लेके निकलते फटाफट अपनी एक और कलेक्शन में ऐड करते इसको। लगभग ये पांचवी गाड़ी है शायद से, हाँ ये पांचवी मेरी लैम्बोर्गिनी आ चुकी है जो कि सुपरमैन की है, और दो लैम्बोर्गिनी, एक बुगाटी, एक टैंक और एक रिक्शा जो मैंने चोरी कर चुकी है। भाई लैम्बोर्गिनी बहुत खतरनाक है ये वाली, और सुपरमैन की पांचों गाड़ी भी जहर है। तुम लोगों को अभी तक कौन सी पसंद है कमेंट में करना, क्योंकि लास्ट वाली गाड़ी मैंने सुना है रॉयल्स रॉयस होने वाली है सुपरमैन की। तो भाई साहब मेरे मुंह में अभी लाला चाह रहा है कि मैं फटाफट जाऊँ उस गाड़ी को चोरी करके आ जाऊँ, बट वो जो एरिया है ना वो बहुत ही खतरनाक है, वो ये एरिया है, हमने एयरपोर्ट के उस पार्ट से चोरी किया था, ये है एयरपोर्ट का इस पार्ट, ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। तो उतरते हैं फटाफट नीचे और भाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बंदे, कम से कम 30-40 बंदे टाइट सिक्योरिटी में, बीच में रॉयल्स रॉयस खड़ी है। परफेक्ट चलते हैं रॉयल्स रॉयस के पास और यहाँ पर परफेक्ट लैंडिंग और अपनी गन निकाल। भाई यार ये कौन सी गन मेरे हाथ में आ गई, मेरे को तो मशीन गन चाहिए थी भाई, ये गन से मरेंगे भी नहीं, रुको रुको मशीन गन निकालने दो। भाई साहब मशीन गन आ जा हाथ में, हाफ मशीन आ गई, अब आ जाओ अब लॉन्डो भाई, बस हमको लाइन ऑफ फायर करना, बस कंटिन्यूसली फायर करना और ये भाई लाइन ऑफ फायर में आते जाएंगे बस। ये देखो कितने मतलब टाइम लगेगा नहीं, 1 से 2 मिनट में ये सारे खत्म हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये गन के अंदर मैंने अभी तक नहीं कहा ना, अभी कहता हूँ इस गन के अंदर 9999 बुलेट होते हैं भाई साहब, समझ रहे हो, 10,000 के लगभग 10,000 बुलेट इसके अंदर है, और 10,000 कंटिन्यू फायर करूंगा, समझ सकते हो कि भाई साहब जो भी सामने आएगा ना उसके तो भाई हवा उड़ जाने वाली है, वो लिटरली खत्म हो जाएगा, वो नहीं बचेगा, अपने को घंटा करने पड़ता, अपने को बस मशीन गन तगड़ा पकड़े रखना और कंटिन्यूसली फायर करते रहना, सामने जो भी आएगा ना, कार आए या फिर इंसान आए ट्रक आए, वो तो फटना मतलब मरना मतलब फिक्स है, ये गन का ये पावर है। इसलिए भाई ये गन को लेके आए, देखो गाइस मैंने कहा ना मुझे, बस हिलते रहना और गन को चलाते रहना और ये ऑटोमेटिक अपना काम करते रहेगी और मेरे को सेफली सिक्योरली ये कार को चोरी करने में हेल्प करेगी। यहाँ पर देखो मैंने ऑलमोस्ट भाई सॉप टांडव मचा दिया, ब्लास्ट कर दिया, तबाही मचा दिए, और इस मशीन गन पे एक लाइक तो बनता है भाई, बहुत ही पावरफुल मशीन गन, एक लाइक ड्रॉप कर देना इसके नाम पे। और मुझे लग रहा ऑलमोस्ट बंदे खत्म हो चुके, तो रुको भाई अकेली वही बची है, इसको भी निपटा दिया है। अभी काम करते हैं ना, बैठते हैं अपनी कार के अंदर, कार को लेकर निकलते भाई, बहुत ज्यादा मैंने टाइम पास कर लिया है। और अपनी ये फाइनल आज की लास्ट गाड़ी थी, छठवीं गाड़ी थी जो कि सुपरमैन की रॉयल्स रॉयस थी, और तुम्हारे भाई ने उसको भी चोरी कर लिया है, और इसको मैं लेके चलता हूँ जब तक अपने घर की तरफ। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया रहेगा तो मैं कह रहा हूँ यार प्लीज मेक श्योर लाइक कर दो, एक सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मेरे को वीडियो मोटिवेट करने में और वीडियो बनाने में। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस तब आएगी ना जब आप लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करके मेरे को बताओगे कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, तो यार वो खुशी मिलेगी ना, तो भाई और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाऊंगा जो तुम लोग देखने में मजा आएगा और देख के हैरान हो जाओगे, आप लोगों ने ऐसे कॉन्टेंट कहीं नहीं देखे होंगे। तो इसलिए मेक श्योर लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दिया करो, और कमेंट में मुझे बताना वीडियो कैसी लगी, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।